का तो ये सेमीकंडक्टर से है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन एज यूजुअल मैं इसको अप्रोच करूंगा थोड़े से फंडामेंटल में, आपको बता दूंगा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, और उस कॉन्सेप्ट की मदद से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई ज़्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, उस कॉन्सेप्ट पे दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, रीजनिंग अजर्शन भी आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। और आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक क्विक रिविजन कर लेंगे इस कॉन्सेप्ट का और फिर इसे आंसर कर लेंगे। जो मैं आपको बताऊंगा दूसरे क्वेश्चन में भी आपकी वो हेल्प कर सकता है, तो थोड़ा बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए इसको। ओके, कैटेगराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग जंक्शन डायोड एज ईदर फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड, और अपने गिव रीजन फॉर योर ईच आंसर। पहले तो सबको बताइए कि कौन सी ये, जैसे कि ये है, ये रिवर्स बायस्ड है कि फॉरवर्ड बायस्ड है, और फिर रीजन दो। राइट, दिस इज द क्वेश्चन। मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं लेके जाऊंगा जिससे कि टॉपिक का ट्रैक ना बदल जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो टॉपिक ही बदल जाएगा। फोकस इसी क्वेश्चन के ऊपर है, लेकिन इसके आमने सामने के जो कॉन्सेप्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको हम जरूर रिवाइज करेंगे। आइए सबसे पहले बायसिंग के बारे में और जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ये पहला डायग्राम जो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेट्स सी द फर्स्ट डायग्राम। ओके, फर्स्ट डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि दिस इज अ पीएन जंक्शन डायोड। इसके ऊपर कोई भी बैटरी हमने नहीं लगाई है, राइट, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है, देख लीजिए आप, ये दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक सिंबल जो ट्राइंगल है, राइट, जैसे आपको ट्राइंगल दिख रहा है यहां पर, यह ट्राइंगल है, राइट, दिस ट्राइंगल इज द पी साइड। ये इसका माइक्रो लेवल डायग्राम है कि अंदर क्या हो रहा है डायोड के, लेकिन ये इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये एक पी टाइप साइड है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैरियर्स दिखाए गए हैं, दीज आर कैरियर्स, और यहां पे अगर आप नोट करेंगे एन टाइप के अंदर भी कैरियर वर्ड का यूज करा है, और बीच में देयर इज अ डिप्लीशन रीजन, ये आपको दिख रहा है, और डिप्लीशन रीजन में देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है डिप्लीशन रीजन में, ठीक है। ये मैं उम्मीद करता हूं आपने, एक टॉपिक है जो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं जो आपको पढ़ लेना है, उसको पढ़ के जाइए एग्जाम के लिए, चाहे जेई मेंस हो, नीट हो, कुछ भी हो, डिफ्यूजन करंट। ओके, मेरा वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी है, और एक आपको पढ़ना है ड्रिफ्ट करंट। ओके, पीएन जंक्शन बनता कैसे है ये इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है डिफ्यूजन करंट का, कि बनता कैसे ही है। ओके, ये इक्विलिब्रियम हो गया, एक डिप्लीशन रीजन बन गई। डिप्लीशन रीजन के अंदर मैं आपको बता देता हूं, दीज आर आयंस, ये आयंस हैं, कैरियर नहीं है यहां पे। तो मैं आपको माइक्रो लेवल डिटेल बता रहा हूं, ये फिगर्स आपको याद करके जानी है एग्जाम में, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, वेस्ट बंगाल जेई का दे रहे हैं, बिटसेट दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, प्लीज मेमोराइज दीज फिगर्स जो आपके सामने है। इस समय जो आपको मैं फिगर दिखा रहा हूं दैट इज नो बायस। बायस का मतलब होता है बाहर से एक बैटरी लगा देना, राइट, अभी कोई बैटरी नहीं लगाई है, एक कंस्ट्रक्शन करी फैक्ट्री के अंदर, पी और एन को इकट्ठा करा, डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ, वो आपको पढ़ना है, मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, और उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, पी साइड पे बहुत ज्यादा होल थे, एन साइड पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, तो ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन हो गई, और एक क्योंकि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन का इम्बैलेंस था तो होल और इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने लग गए, और यू नो उन्होंने न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया एक दूसरे की साइड के, और फाइनली क्या हुआ, बीच में एक डिप्लीशन रीजन बन गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। इस समय कोई भी कहीं नहीं जा रहा, देयर इज नो डिफ्यूजन हैपनिंग, जो होल्स हैं वो इस तरफ नहीं जा पा रहे, जो इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट की तरफ नहीं जा पा रहे, एक रीजन बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब कुछ भी कहीं नहीं जा रहा, अब सब कुछ रुक गया, राइट। यहां पे जो आपको आयन नजर आ रहे हैं ये आयन है, ये भी
आयंस हैं और यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड है और स्पेस भी है, लाइन भी है, राइट, डिस्टेंस भी है. तो देयर इज एन इनबिल्ट पोटेंशियल हियर. क्या बोलते हैं इसको? इनबिल्ट पोटेंशियल. इनबिल्ट का मतलब होता है इसके अंदर एक पोटेंशियल है, इनबिल्ट. अभी आपने बैटरी कनेक्ट नहीं करी, कोई बायस नहीं है. सो जब आप पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है और उसको वैसे ही छोड़ देते हैं तो हम बोलते हैं वो नो बायस की सिचुएशन है और वहां पे एक इनबिल्ट पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस. सो दिस इज इस साइड मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होल्स, इधर आयंस. ओके, दीज आर जो डिप्लीशन रीजन आपको नजर आ रहा है, ये आपका जंक्शन है. इलेक्ट्रिक फील्ड, इनबिल्ट पोटेंशियल, ये वर्ड्स, की वर्ड्स याद करके जाइए. इनबिल्ट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड पे, कैसे ये पीएन जंक्शन डायोड जब बायस्ड नहीं होता तो दिखता है. और ट्रायंगल वाली साइड पी साइड है और ये लाइन वाली साइड एन साइड है. इस समय आप देख रहे हैं एक अनबायस्ड डायोड. क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर जीरो बायस नहीं है. क्वेश्चन में डायोड्स को फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस कराए. तो आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में क्या होता है. ज्यादा डिटेल में नहीं, मैं डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट के डिटेल में नहीं जा रहा हूं. मैं ये मान रहा हूं कि आपको अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड टेक्स प्लेस, एक पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है, वो आपको थ्योरी आती है. जो दोनों तरफ की कॉन्सेंट्रेशन की जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं इस तरफ और उस तरफ और फाइनली एक डिप्लीशन का रीजन. तो आपको वो पढ़ के जाना है कि किस तरह से डिप्लीशन रीजन बनता है. मेरी प्लेलिस्ट के अंदर बहुत अच्छे से समझाया है. तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ फॉर्मेशन. आई एम ओनली वरीड अबाउट कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की थ्योरी जो है वो कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं और उसके आसपास के जो कॉन्सेप्ट हैं जिससे दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं वो भी आप कर पाएं. ओके, जस्ट बी वेरी केयरफुल कि जो पी साइड है, देखिए ये लिखा है एनोड. ओके, और कैथोड वाली साइड हो गई एन साइड. इसका क्या सिग्निफिकेंस है, अभी इसके ऊपर आते हैं. ओके, अच्छा, अब क्या होता है जब आप इसके ऊपर बायस करेंगे. बायस का मतलब होता है इसको बैटरी से जोड़ेंगे, राइट. मैं आपको दिखाता हूं फॉरवर्ड बायस का डायग्राम. ये देखिए, ये आपने पी साइड को पॉजिटिव से जोड़ दिया और एन साइड को आपने नेगेटिव साइड से जोड़ दिया. इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस. ये ध्यान से देख लीजिए, द पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड द एन साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव. फॉरवर्ड बायस क्या हुआ? फॉरवर्ड बायस करने से होता क्या है? फॉरवर्ड बायस करने से, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक सिंबल की भाषा में देख लिया, अगर पॉजिटिव साइड ट्रायंगल से जोड़ लें और नेगेटिव साइड लाइन से जोड़ लें इलेक्ट्रॉनिक सिंबल की टर्म्स में, तो फॉरवर्ड बायस होता है. अब मैं आपको क्वेश्चन पे ले जाता हूं. ये देखिए क्वेश्चन के अंदर, राइट, आपको दिख रहा है ये वाला जो ट्रायंगल है, जैसे कि ये ट्रायंगल है, राइट, ये नेगेटिव साइड से जोड़ा है आपने उल्टा. लेकिन अगर मैं आपको ये वाला दिखाऊं, दिस वन, दिस ट्राइंगल, ये 6 वोल्ट हायर वोल्टेज होती है 4 वोल्ट से, तो हमने इस वाले ट्राइंगल को पी साइड को पॉजिटिव साइड से जोड़ा. इट इज एट हायर पोटेंशियल, राइट. तो जब भी आप हायर पोटेंशियल वाली साइड को ट्राइंगल से जोड़ते हैं, ये देखिए, ये पॉजिटिव इज हायर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल एंड इट इज कनेक्टेड टू पी, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं कि फॉरवर्ड बायस्ड है. द डायोड हैज बीन फॉरवर्ड बायस्ड. इसका मतलब क्या होता है ये हमें जानना जरूरी है, राइट. ये आपके काम आएगा एज अ एक्स्ट्रा क्वेश्चन. ओके, फॉरवर्ड बायस में कौन सा है, रिवर्स बायस में कौन सा है, वो तो हम पहचान लेंगे क्योंकि हमें बेसिक पता चल गया. ट्रायंगल अगर हायर पोटेंशियल पे है द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, और अगर ट्रायंगल जो है दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड देन इट इज रिवर्स बायस्ड. रिवर्स बायस पे मैं आऊंगा अगले. अब देखिए हुआ क्या इन द पीएन जंक्शन डायोड, कुछ हुआ. आप देखो यहां पे जो आपका ये जो डिप्लीशन रीजन है, यहां पे डिप्लीशन रीजन में सिर्फ आयन का साइज आप देखो 2 और 2, इधर देखो आप 3 थे, राइट. तो आपका डिप्लीशन रीजन जो है वो नैरो हो गया, राइट. सो दिस इज नैरो,
पतला हो गया ये, नैरो है ये, ओके? कैसे हुआ? बैटरी लगाने से हुआ है। बैटरी लगाने से क्या होता है, अगर आपने थ्योरी ध्यान से पढ़ी है, ड्रिफ्ट करंट पैदा होता है, ड्रिफ्ट करंट। बैटरी लगाने से ड्रिफ्ट करंट होता है। जब बिना बैटरी के करंट फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। एक बार प्लीज इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके जाएं मेरी प्लेलिस्ट के थ्रू, क्लैरिटी होनी चाहिए कि पीएन जंक्शन डायोड में होता क्या, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट इसी के ऊपर घुमाया जाता है। ये बेसिक्स हैं, एक जंक्शन डायोड के आना चाहिए आपको, ओके? अब बात करते हैं तो हमारा फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, हमारा डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाता है। नैरो रीजनिंग अजर्शन में आ सकता है आपको, स्टेटमेंट दे देंगे आपको कि व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड द डिप्लीशन रीजन नैरोज डाउन, राइट? तो मैंने रीजनिंग और अजर्शन दोनों लिख दिए, ये अलग लिखे जा सकते हैं। द डिप्लीशन रीजन नैरोज डाउन इन द फॉरवर्ड बायसिंग, और उसका रीजन दे देंगे आपको, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द जो पोलैरिटी है, राइट? जो आपके जो आयन्स हैं, राइट, दे गेट न्यूट्रलाइज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ड्रिफ्ट। तो रीजनिंग आपको पता होनी चाहिए कि नैरोनेस क्यों आई, नैरोनेस क्यों आई। देखिए, आपकी जो अंदर की जो ये इनबिल्ट पोटेंशियल है, राइट, इसको ओवरकम करना है। इनबिल्ट पोटेंशियल क्या कर रही थी, वो इक्विलिब्रियम में ले आई थी। जब नो बायस था तो इक्विलिब्रियम था, कुछ भी फ्लो नहीं कर रहा था, क्योंकि एक रोकने वाली पोटेंशियल अवेलेबल थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट? पोटेंशियल यहां पे हाई है, यहां पे लो है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल साइड। आई होप दिस मेक सेंस। तो अब क्या हुआ, आपने एक बाहर से एक वोल्टेज दे दी जो इनबिल्ट पोटेंशियल के अगेंस्ट है। इनबिल्ट पोटेंशियल फर्दर मूवमेंट ऑफ कैरियर को बंद करती है, लेकिन जो फॉरवर्ड बायस में अगर आप बैटरी को इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगी, एक ड्रिफ्ट करंट पैदा करेगी। बैटरी लगाते हैं, ड्रिफ्ट करंट पैदा होता है, राइट, इन सच अ वे कि वो जो इनबिल्ट पोटेंशियल है जो रोक के बैठा हुआ है मूवमेंट को, उसको काटती है ये। और अगर आपने उसको भी ओवरकम कर लिया, यू कैन एक्चुअली हैव करंट फ्लोइंग इन द डायोड। और जब सर्किट्स में करंट होगा तो डायोड का यूज तो तभी होगा व्हेन द करंट फ्लोज, राइट? डायोड इज यूज्ड इन सर्किट्स, तो करंट फ्लो तो करवाना ही है हमने। तो इनबिल्ट पोटेंशियल को हराना है, इनबिल्ट पोटेंशियल को अगर हराना है तो आपको क्या करना है, आपको फॉरवर्ड बायसिंग में लाना है। तो इसका मतलब इस समय जो डायोड है उसका रेजिस्टेंस, मतलब वो रोक रही थी मूवमेंट ऑफ चार्जेस को, अब चार्जेस के मूवमेंट को अलाउ कर रही है, एनकरेज कर रही है, उसका रेजिस्टेंस गिर गया, राइट? तो भी हम बोलते हैं कि दिस इज लाइक अ इजी फ्लो, रेजिस्टेंस कम हो गया जी डायोड का, जब हमने फॉरवर्ड बायस करा और हमने वी हैव बीन एबल टू ओवरकम द इनबिल्ट पोटेंशियल, तो करंट भी फ्लो करने लग जाएगा, तो नैरोनेस तक बात नहीं रहेगी डिप्लीशन रीजन के। अगेन यू हैव टू स्टडी दिस इन डिटेल, मैं आपको क्विकली बता रहा हूं क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सारा रिवर्स और फॉरवर्ड बायस के ऊपर है, उसके आसपास के छोटे छोटे पॉइंट में आपको बता रहा हूं, राइट? और आगे चलते हैं, रिवर्स बायस में क्या होता है वो भी देख लेते हैं, राइट? रिवर्स बायस इज ऑल्सो अ वे टू लुक एट द, नाउ व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ अ रिवर्स बायस। आइए जरा रिवर्स बायस से निपट लेते हैं कि रिवर्स बायस में क्या होता है। देखिए, रिवर्स बायस के अंदर जो पी साइड है, पी एंड दिस इज द एन साइड, ये जो पी साइड है इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव साइड, ये नेगेटिव लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करी जाती है, और एन साइड हायर पोटेंशियल से। इससे क्या हुआ, इससे हुआ क्या, राइट? पहले तो सिंबल बहुत ध्यान से देख लीजिए, पी साइड ट्रायंगल वाली साइड उल्टा नेगेटिव साइड से जुड़ी है और जो एन साइड है वो पॉजिटिव साइड से जुड़ी है। अब आपको माइक्रो लेवल पे क्या हो रहा है रिवर्स बायसिंग में, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, देखिए, जो आपका इनबिल्ट पोटेंशियल है वो पहले ही जो कैरियर्स हैं दोनों साइड के उसको हिलने नहीं दे रहा इधर से उधर, होल्स इस साइड नहीं आ पा रहे, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड नहीं आ पा रहे। अब आपने रिवर्स बायस कर दिया, रिवर्स बायस करने से क्या होता है, द साइज ऑफ डिप्लीशन रीजन फर्दर इंक्रीजेस।
अब और बड़ा हो जाता है डिप्लीशन रीजन. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो था बिकॉज ऑफ उसकी वजह से था इनबिल्ट पोटेंशियल. अब इनबिल्ट पोटेंशियल को साथी मिल गया एक बाहर से जो उसकी हेल्प करेगा फर्दर कि कोई फर्दर मूवमेंट ना हो. पहले हमने इनबिल्ट पोटेंशियल को काटा था फॉरवर्ड बायस में, अब हमने रिवर्स बायस के अंदर इनबिल्ट पोटेंशियल की हेल्प करी है और बड़ा पोटेंशियल लगा दिया कि अब बिल्कुल ही मेजॉरिटी कैरियर जो है दोनों साइड के बिल्कुल नहीं हिल सकते. इस समय हमने रिवर्स बायस में होता क्या है, डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई हो जाता है. अब अगर आपने इसको सर्किट में लगाया है तो ये करंट को जाने नहीं देगी, राइट. कुछ आगे जाके कुछ और भी होता है, जीनर डायोड वगैरह, वो बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, ब्रेकडाउन की मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे. लेकिन मेरे प्लेलिस्ट में आप पढ़ सकते हैं कि जीनर डायोड क्या होती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करें, हम ब्रेकडाउन से पहले वाली सिचुएशन की बात कर रहे हैं. ब्रेकडाउन का मतलब है डायोड ही खराब हो जाती है और बहुत ज्यादा रिवर्स बायस में भी करंट को अलाउ करती है, जबकि हम रिवर्स बायस का वो वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं जब वोल्टेज जो है जो हमने लगाई बाहर से वो इनबिल्ट वोल्टेज की हेल्प करती है और इतना हेल्प करती है कि बिल्कुल करंट फ्लो नहीं कर सकता. रिवर्स बायस में छोटा सा एक रिवर्स करंट फ्लो करता है, ज्यादा नहीं फ्लो करता, इट्स अ वेरी स्मॉल करंट विच फ्लोज, रिवर्स सैचुरेशन करंट. ओके, तो अगर आपसे मोटा मोटा आपके दिमाग में बोले तो रिवर्स बायस के कनेक्शंस कैसे होते हैं वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. ट्रायंगल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव. रिवर्स बायस में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस हो जाता है. अब डायोड सर्किट में लगी हुई है लेकिन करंट को बहने नहीं देगी, वो उसका ये रोक देगी करंट को, ये मतलब इट विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट. वेयर एज इफ यू सी द फॉरवर्ड बायस, P is connected to the higher potential and the N is connected to the lower potential. Now, it is in forward bias. The resistance it is offering is very, very low. Current आराम से दौड़ेगा. तो reverse bias का मतलब है current नहीं जा पाएगा diode के through, क्योंकि आपने उसकी polarity N side को P से जोड़ दिया है और P side of the diode को आपने negative terminal से जोड़ दिया है. तो inbuilt potential बढ़ा दिया आपने, चौड़ा कर दिया उसको. आप देखिए यहाँ पे चार दिखा रहे हैं, 1, 2, 3, 4. यहाँ पे सिर्फ दो थे, राइट. ये फॉरवर्ड बायस था और जब कोई भी बायस नहीं था तो जो रीजन था डिप्लीशन का उसमें तीन थे, राइट. सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू. आपको समझ में आ रहा है कि डिप्लीशन लेयर इंपैक्ट होती है, जो डिप्लीशन का रीजन है वो इंपैक्ट हो जाता है बायसिंग से. जितना बड़ा डिप्लीशन का रीजन होगा उतना पुअर कंडक्टर बन जाएगा, ये जाने नहीं देगा फिर करंट को रिवर्स बायस के अंदर, राइट. फॉरवर्ड बायस के अंदर ये जाने देगा करंट को, राइट. सो ये लिखा भी है, द डिप्लीशन रीजन माइट बी गॉटन स्मॉलर और एक्सपेंडेड डिपेंडिंग ऑन पोलैरिटी एंड वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. जो आपने लगाई, बड़ी बैटरी लगा दी तो और आपने ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया या वीक कर दिया, तो डिपेंड करता है बैटरी कैसे कनेक्ट करते हैं एक जंक्शन डायोड से, वो डिसाइड करेगा कि वो फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा. अब मैं आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं मैं. ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे ही, हमें इतना समझ में आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट अब हमारे पास हैं कि अच्छा हम पहचान सकते हैं कौन सी बैटरी कैसे लगी हुई है डायोड के साथ और हम कह सकते हैं कि वो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है, वो तो हम देखते ही कह देंगे. लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता रहा हूं, दूसरे एग्जाम में भी आपको काम में आएगा और बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन, कहीं भी आ सकता है. दीज आर बेसिक्स, इररिस्पेक्टिव कौन सा एग्जाम है ये आपके काम आएंगे. आइए मैं आपको थोड़े से और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और डिटेल में ले जाता हूं, ज्यादा नहीं. ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन को पढ़ के जाना है, अच्छी तरह से रिवाइज करके जाइए कि ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट में क्या फर्क होता है, कब पैदा होते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं. नॉर्मली एक अगर मैं बात करूं, एक मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं ये वाला. सो दिस इज अवर सिचुएशन, राइट. ये वाली, यहां कोई करंट कुछ नहीं है और ये दिस इज आई डिफ्यूजन एंड आई ड्रिफ्ट, इक्विलिब्रियम है और दो टाइप के करंट है और नेट करंट इज जीरो, कुछ नहीं फ्लो कर रहा. इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने डायरेक्शन देख ही ली है, राइट. यहां पे आयंस होते हैं, यहां भी आयंस होते हैं, ये आप मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको, राइट. बट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन इन डायग्राम्स के अंदर, जब आप इक्विलिब्रियम में होते हैं, जब आपने बायसिंग नहीं करी, राइट. आपका जो बायसिंग है कुछ भी नहीं है, देखिए आपने जो ये बायसिंग करी हुई है ये जीरो है, राइट. तो देखिए ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट आर इक्वल. अब आपने देखिए क्या करा,
प्री साइड को हायर पोटेंशियल पे जोड़ दिया, फॉरवर्ड बायस है. सो यू हैव जो अपने डायोड के ऊपर एक्सटर्नल वोल्टेज लगाई है वीडी, वो वी फॉरवर्ड है. और क्या हो रहा है उससे, ये देखा आपको, ये जो ये इतना चौड़ा था, दिस वाज सो वाइड, दिस हैज बिकम नैरो. तो डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाता है, इनबिल्ट पोटेंशियल को काटने की ताकत मिल जाती है, और चार्जेस सॉरी कैरियर्स मूव कर सकते हैं, और मूव करना शुरू कर दें तो करंट आ जाता है उसके अंदर. तो आप देख सकते हैं डिफ्यूजन जो है वर्सेस ड्रिफ्ट, ये सिचुएशन है फॉरवर्ड बायस में. इतना डिटेल आपको देखना है कि अच्छा अगर फॉरवर्ड बायस है तो डिफ्यूजन करंट इज मोर, ड्रिफ्ट करंट इज ऑन द ऑपोजिट साइड एंड लेस. लेट मी शो यू द सिचुएशन ऑफ द रिवर्स बायस में क्या हो रहा है. राइट, लेट सी दैट रिवर्स बायस के अंदर क्या हो रहा है, लेट सी दैट. आइए देखते हैं. देखिए आपने इसके अंदर पी साइड को नेगेटिव से जोड़ दिया है. अब आपको दिख रहा है द डिफ्यूजन करंट इज दिस एंड ड्रिफ्ट इज दिस, रिवर्स हो गया. तो ये डायग्राम की भी समझ होनी चाहिए कि किस तरह से बायसिंग से ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट पे इंपैक्ट होता है. इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप इसकी थ्योरी पढ़ के जाइए. मैंने अपने प्लेलिस्ट के अंदर इसे पूरा समझा रखा है, क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि क्या हो रहा है ये. तो मैंने तो इसको बेसिक लेवल पर रखा था क्योंकि फिर ये टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा और बायसिंग से हम फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है रिवर्स बायस में ड्रिफ्ट करंट क्यों बढ़ जाता है, क्यों फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है. तो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड कि क्या हो रहा है. राइट, नाउ व्हाट आर ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट्स. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट्स दैट फ्लो इन अ सेमीकंडक्टर डिवाइस. किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब आप इस पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं, दो टाइप के करंट है. राइट, और जो नेट करंट होता है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है. एज सिंपल एज दैट, सिंपल, इन दोनों का डिफरेंस इज द नेट करंट दैट इज फ्लोइंग इन द सर्किट. अब इसके डिटेल में मैं भी नहीं जा रहा, इससे ज्यादा हमारे कोर्स में नहीं है, बट पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है वो जरूर पढ़ के जाना है. उम्मीद करता हूं आपको फॉरवर्ड बायस समझ में आया, उस रिवर्स बायस समझ में आया, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे बढ़ती घटती है, अंदर माइक्रो लेवल पर डिप्लीशन रीजन कैसे इंपैक्ट हुई है. अब मैं वापस जा रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने. मैंने जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इधर जो रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस के थोड़े डिटेल थे वो मैंने आपको दे दिए. आइए अब उनकी मदद से लेट्स गो एंड सॉल्व दीस क्वेश्चंस. ओके, अब हम बात करते हैं इसकी. राइट, तो इसका जो ट्रायंगल है इट इज कनेक्टेड टू द हायर पोटेंशियल. राइट, 6 वोल्ट इज हायर एज कंपेयर टू 4 वोल्ट. इसको हम जीरो बना लें तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज 2 वोल्ट. आपने पॉजिटिव वोल्टेज को जोड़ा है ट्रायंगल के साथ, तो ये क्या करा आपने, दिस इज व्हाट आपने पढ़ा था अभी, अगर पी साइड गेट्स कनेक्टेड टू द, देखिए पी साइड गेट्स कनेक्टेड टू पॉजिटिव देन इट इज फॉरवर्ड बायस. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड. रीजन क्या देंगे आप, रीजन ये देंगे कि आपने जो पी साइड है वो आपने हायर पोटेंशियल पे रखी है एज कंपेयर टू द एन साइड. ये एन साइड है, ये लोअर पोटेंशियल पे है. इसमें जाते हैं, इस सिंबल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जीरो वोल्ट ग्राउंड. जैसे अर्थ होती है, अर्थ को जीरो पोटेंशियल पे माना जाता है. घर की जब आप वायरिंग भी करते हैं तो जीरो ग्राउंडिंग करी जाती है, उसको हम जीरो पोटेंशियल मानते हैं. अच्छा, अब मैं देखता हूं ट्रायंगल इज कनेक्टेड टू लो जीरो वोल्ट एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू 2 वोल्ट. ये उल्टा हो गया. राइट, तो ये दिस इज व्हाट रिवर्स बायस. रीजन इज सेम, बिकॉज आपने जो एन साइड है, ये वाली एन साइड है, इसको अपने हायर पोटेंशियल पे रखा है और डिप्लीशन रीजन इसके अंदर बड़ा हो गया. राइट, सो द डिप्लीशन रीजन बिकम्स चौड़ा हो जाता है उसके अंदर. राइट, जितना आप डायग्राम से समझाएंगे एग्जामिनर को उतने ज्यादा नंबर आएंगे आपको. राइट, सिर्फ ए बी सी डी करेक्ट नहीं, आप रीजन भी देना है, आप कुछ लिख के आना. आपको मैं बोल रहा हूं वो रीजन ध्यान से सुनिए, ज्यादा लंबी लंबी बातें नहीं लिखनी, एक दो लाइनें काफी हैं. इसके बारे में बात करते हैं. सो दिस इज -10 वोल्ट एंड दिस इज -4 वोल्ट. तो हायर पोटेंशियल पे कौन हुआ, ये हुआ, दिस इज एट हायर पोटेंशियल. तो पी वाली साइड हायर पोटेंशियल पे है और ये वाली साइड लोअर पोटेंशियल पे है. राइट, पी वाली साइड हायर पोटेंशियल पे है, फॉरवर्ड बायस्ड.
सेम रीजन बिकॉज पी इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड, तो डिप्लीशन रीजन छोटा हो जाएगा, ठीक है, और कैरियर्स जो है वो मूव कर सकते हैं, लो रेजिस्टेंस हो गया, फॉरवर्ड बायस। अब इसके बारे में बात करते हैं, दिस इज आपको मैंने बता दिया दिस इज जीरो वोल्ट, ओके, दिस इज माइनस फोर वोल्ट, तो ये हायर पोटेंशियल है, जीरो वोल्ट इज ग्रेटर देन माइनस फोर वोल्ट, राइट, इट इज ग्रेटर देन माइनस फोर वोल्ट, ज्यादा बड़ा होता है। अच्छा, अगर ऐसा है कि जीरो वोल्ट इज ग्रेटर देन माइनस फोर वोल्ट, तो ये जो ट्राइंगल है ये नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, दिस ट्राइंगल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव के साथ जुड़ा है सो दिस इज वॉट, रिवर्स बायस। रीजन क्या है, इफ यू कनेक्ट द पी साइड विद लोअर पोटेंशियल एंड यू कनेक्ट द एन साइड विद द हायर पोटेंशियल, इट इज रिवर्स बायस्ड। सो आई होप चारों सिचुएशन आपको समझ में आई, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट मैंने दिया है, उसको पढ़ना है, बाकी भी आपको समझ में आया कि क्या हो रहा है अंदर जब हम एक पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, और ये प्लेलिस्ट सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं है, ये नीट जेई मेन्स वेस्ट बंगाल जेई बिटसेट ICAR तेलंगाना इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन आंध्र प्रदेश एंट्रेंस इंजीनियरिंग सब में काम आएगा आपके, प्लीज डू वॉच द कंप्लीट प्लेलिस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।